स्वागत है हकीम साहब। बहुत धन्यवाद आपका। हकीम साहब, कई लोगों का ये सवाल होता है कि अगर हम निरोगी भी हैं, अगर हमें कोई परेशानी भी नहीं है, क्या तब भी हम उन रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बेहद कीमती होते हैं, जो आप उनको बताते हैं, चाहे वो गौन सिया हो, गौन मोरिंगा हो, जैतून का सिरका हो, एलोवेरा का सिरका हो, जैतून का नमक या फिर कलौंजी का नमक, इन तमाम रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, कुछ रॉ मटेरियल ऐसे हैं कि ये रोग के आने को भी रोकते हैं। जी जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि जैतून का सिरका एक ऐसा सिरका है जो 40 साल के बाद लेना चाहिए। वैसे तो पहले भी ले सकते हैं, लेकिन 40 साल के बाद अगर लेंगे तो 40 साल के बाद 4 या 5 रोग हमारे अंदर आने का अंदेशा होता ही है, और उसमें से कौन सा रोग आएगा ये नहीं पता। एक हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, हर किसी का, चाहे वो डॉक्टर हो, हकीम हो, कोई भी हो, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। यानी खून की वो जिद्दी चर्बी जो हमें नुकसान देती है, उसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब ये बढ़ता है तो हमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि जब खून गाढ़ा हो जाता है तो दिल को उसको फेंकने में बड़ी परेशानी होती है, इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और जब ये मुस्तकिल रहता है तो कभी हमें फालिज भी हो सकता है। दिमाग में अगर ये चर्बी फंस गई तो फालिज हो सकता है, दिल में अगर फंसने लगी तो हार्ट ब्लॉकेज हो सकता है। फिर एक और ख़तरा है कि डायबिटीज़ भी इस उम्र के बाद आती है, लीवर प्रॉब्लम आती है, पेट की प्रॉब्लम आती है, इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम आती है, किडनी की प्रॉब्लम आती है। तो इन सब बीमारियों से आप सुरक्षा चाहते हैं तो निरोगी भी ले सकते हैं, और रोग हो गया है तो 2 बार लें, और रोग नहीं हुआ है तो 1 बार लें, ताकि आप और हम रोग मुक्त ज़िंदगी गुजार सकें। सुरेश देवी जी हैं हरियाणा से, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार हकीम जी नमस्कार। जी। नमस्कार, जय जय हिंद, आदाब। हिंद सर। सर, मेरे 3 सवाल हैं। जैसे मेरी बहन की बेटी है, उसकी हाइट कम है, वो 15 साल की है। और दूसरा सवाल है, मेरा 5 साल से वजन बढ़ गया है। मैं नींद की दवाइयां लेती हूँ, उनके बाद मेरा वजन बढ़ गया है। और तीसरा सवाल है कि मेरी ट्यूबें ब्लॉक हो रही हैं, जैसे हम टेस्ट ट्यूब करवाना चाहते हैं, उनके लिए कोई उपाय हो तो बताओ। दोनों ट्यूबें बंद है। आपकी उम्र क्या दो है? मेरे 47 साल है। ठीक है मेरे मेरे पास 2 बेटी हैं। जी। ठीक है, ठीक है। हाँ, देखिए, पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि इनकी बच्ची है 15 साल की, हाइट कम है। अभी गुंजाइश हो सकती है उसमें। गौंद मोरिंगा सफ़ेद असली, नकली बहुत मिल रहा है, 1 ग्राम रोज़ाना पानी में, दूध में या नारियल पानी में मिला के रोज़ाना 1 बार दें। सफ़ेद गौंद मोरिंगा ये नकली बहुत मिलता है, असली लेने की जिम्मेदारी आप लें और बच्ची को फ़ायदा मुमकिन है। दूसरा सवाल, इनका खुद का सवाल है कि इनका वेट बढ़ गया है और इन्हें लगता है कि नींद की दवाइयां लेने से, और ट्यूब ब्लॉक है इनकी दोनों। तो देखिए, एक एक दवा बता रहा हूँ, ये तीनों को आपके रोगों में फ़ायदा करेगी। आपकी नींद की गोली भी छूट सकती है, वज़न भी कम हो सकता है और ट्यूब्स भी खुलना मुमकिन है। देखिए, दवा एक है लेकिन काम बहुत कर कार्य बहुत करती है। एलोवेरा का सिरका, सिरका विनेगर, एलोवेरा का विनेगर 3 चम्मच या 4 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच, 1 गिलास पानी में डालें, 1 चुटकी में जितना खाने का सोडा आए वो उसमें डालें, मिक्स करें, और रात के समय जब भी आपका सोने का समय हो तो उस वक्त पी कर सो जाया करें।
ये तीनों काम आपके लिए ये करते हैं। आप भरोसा रखें कि अगर आपने असली चीज़ें ली तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। तीसरा, दो ही सवाल थे हकीम साहब। अच्छा। चलिए इसी के साथ अगले कॉलर हैं, हापुड़ से ब्रह्म सिंह जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार हकीम जी को। आदाब। आदाब साहब, जय हिंद। ब्रह्म सिंह जी कहिए, क्या सवाल? अरे भाई, एक दिन पहले बात हुई थी लेकिन बात हमारी बीच में कट गई, लास्ट टाइम पे फोन मिला तो बात पूरी नहीं हो पाई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे एक दर्द की शिकायत थी, मेरे पैर के पंजों से स्टार्ट हुआ। जी जी जी, मुझे याद आ गया। और वो आ गया जी जी। तो अब इसमें मेरी पसलियों में भी दर्द है, एक मेरी जो है नींद बहुत कम हो गई और भूख कम हो गई। गोंदशिया मैंने आपका शुरू कर दिया है। अच्छा। करीब मुझे 4-5 रोज हो गए गोंदशिया लेते हुए। अच्छा अच्छा, 4-5 तो कम ज्यादा तो नहीं हुआ अभी? नहीं, अभी तो यथास्थिति है जी, अभी वैसे ही है। हाँ जी। अच्छा, देखिए अपनी मिसेज के विषय में भी बात करनी थी। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनिए, आज टाइम है, हमें अफसोस था कि आपसे बात पूरा जवाब नहीं दे सके। कभी कभी ये भी मजबूरी होती है, ये टेलीविज़न वाले जो है ना बड़े ऐसे होते हैं, फौरन ही वक्त पर ही इन्हें सब कुछ चाहिए। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपका जवाब दूँ और भगवान ने मेरी सुन ली। कौन सी आपने शुरू कर दिया, ये 5-7 दिन बाद फ़ायदा शुरू करता है। आप ये देखें कि 2% लोगों का दर्द बढ़ता है और फिर कम होता है, और 98% लोगों का दर्द कम होता चला जाता है। बढ़ा नहीं है तो कम ही होगा, और रोज़ाना ज़रा सा फ़ायदा देता है। 15 दिन में आपको महसूस होने लगेगा कि फ़ायदा होने लगा। वज़न नहीं उठाएं बिल्कुल भी, वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, कुर्सी वाला शौचालय। और जो नींद नहीं आती उसके लिए आप रात के समय जब सोने का वक्त हो जाता है, जो हर आदमी का अलग वक्त होता है, तो उस वक्त आप 3 या 4 चम्मच जैतून का सिरका एक गिलास पानी में मिलाकर पी के सोया करें, और खूब भगवान से मदद मांगते हैं। फ़ायदा भगवान करता है, नाम मेरा होता है। वज़न ना उठाएं, मेहनत ना करें कुछ दिन इलाज के दौरान, और वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। तो ब्रह्म जी, आपको फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। देखिए आपकी दोबारा से कॉल लग गई है, आप देखिए इतने लकी हैं कि आपको लाइव बात करनी ही थी हकीम साहब से, और आपको नुस्खे बता दिए गए हैं। जल्द से जल्द इनका सेवन कीजिए और अपने आप को रोग मुक्त बनाइए। दर्शकों, अगर आप लोगों की कॉल कार्यक्रम में नहीं लग पाती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी बात कर सकते हैं। आइए बात अगले कॉलर से, पंजाब से हैं लता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। नमस्कार हकीम जी। आदाब साहब जी। भैया मेरा एज वाला है, एक मेरी बहन है, उसकी उम्र है 45 ईयर। उसके ना सिर में फ्रंट में दर्द होता है, साइड में दर्द होता है, मत्थे की साइड में दर्द होता है, आंखों के ऊपर और फ्रंट में दर्द होता है। 15 दिन से हो रहा है दर्द। ठीक है। नजला वगैरह हुआ था अभी कुछ, नजला खांसी? अच्छा, देखिए नज़ला खांसी कुछ हुआ हो आपको अभी 15 दिन के अंदर, तो नज़ले की एलर्जी की दवा जो होती है उससे वो जम जाता है, कफ जम जाता है। तो अगर ऐसा हुआ हो तो कफ निकालने की दवा लें। और एक एक्सरसाइज बताता हूँ, वो लें 3-3 मिनट। तो एक्सरसाइज बता दो, ऐसे बैठे मेरी तरह, और ये एक्सरसाइज आपको 3 मिनट रोज करनी है। 3 मिनट, 3 मिनट्स एक साथ कोई नहीं कर पाता, तो 1-1 मिनट करके 3 बार में करें पूरे दिन में। एक तो ये, और एक ऐसे 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 पूरी जोर से मोड़ें। देखिए ये ठोड़ी मेरी यहाँ तक आ जाती है, आपकी नहीं आएगी। जैसे ही आने लगेगी तो आपकी जो फ्रेंड हैं वो उनका ठीक होना मुमकिन है। जी, सुल्तानपुर से हैं नीरज, स्वागत है आपका। हेलो जी मैडम, नमस्ते जी। नमस्कार
मेरे दो सवाल है असीन साहब से। जी जी। मेरी एज है 45 वर्ष। मुझे एक महीने से पेशाब में दिक्कत है, पेशाब में जलन हो रही। और मेरा दूसरा सवाल है, मेरी वाइफ को 5-6 महीने से पंजों से ऊपर घुटने से नीचे स्वेलिंग रहती है। उनकी उम्र क्या है? उनकी उम्र है 35 ईयर। ठीक है। देखिए, पेशाब में इन्फेक्शन अक्सर हो जाते हैं मर्दों को भी और औरतों को भी। और एक आता है नमक जैतून, ये एक नमक जैसा ही दिखने वाला पदार्थ है, जो जिसे रसायन भी कह सकते हैं, जैतून का रसायन। इस ये नमकीन नहीं होता, इसकी पहचान ये नमकीन नहीं होता। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नमक जैसा बिल्कुल दिखता है लेकिन नमकीन नहीं होता, ताकि आप नकली ना ले लें। इसका एक या दो चुटकी एक गिलास पानी में डालें, मिक्स करें और पी लिया करें, आपकी परेशानी ठीक होना मुमकिन है। पेशाब हो, परेशानी हो, इन्फेक्शन हो, जलन हो, पेट में गैस हो, कब्ज हो, लीवर में इन्फेक्शन हो, बहुत सारे रोगों का, गैस वैस का सबका इलाज ये है, तो आप ये इस्तेमाल करें। और आपकी पत्नी के लिए देखिए, गौंद स्याह आता है एक, और मैं बड़ा फिक्रमंद हूँ कि ये अब नकली बहुत मिलने लगा है, असली आप हासिल करें और आधा आधा ग्राम सुबह शाम खिलाएं, सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाने के बाद, दूध से दे दें, पानी से दे दें, जैसे भी चाहें, खाने के बाद ही दें, सिर्फ आधा आधा ग्राम। ये बहुत तेज़ होता है, इससे ज़्यादा लेना मना है। और वेस्टर्न टॉयलेट आपकी पत्नी के लिए ज़रूरी है, ये कुर्सी वाला शौचालय, ये बहुत ज़रूरी है, दवा से भी ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ दिन मेहनत ना करें, वज़न ना उठाएं, तो देखिए ये अगर असली मिल गया, नकली बहुत मिलता है, तो 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है। आधा ग्राम सुबह दें, आधा ग्राम शाम, नाश्ते और खाने के बाद, 5-7 दिन के बाद फ़ायदा शुरू करता है। और 100 ग्राम भी किसी को असली मिल गया तो फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, दिल्ली से हैं दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम जी। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। जय हिंद, आदाब। कहिए बहन, क्या हाल है? ठीक है भाई साहब। भाई साहब ये बताओ, ये गोंद सिया, गोंद मोरिंगा और जतुन का सिरका, ये हम कितने दिन तक रख सकते हैं घर में? खराब तो नहीं होता ये? देखिए, 2 साल तो नहीं होता कुछ भी, और मॉइस्चर से ज़रा बचा के रखते हैं, या बहुत गर्मी से या बहुत नमी से। तो ये तो सवाल हो गया आपका, और कोई सवाल तो नहीं आपका? और कोई सवाल ये है भाई साहब, बच्चे हैं, बेटा है 32 साल का, बेटी है 34 साल की, तो वे ये जतुन का सिरका और अदरक लहसुन का ये बना कर ले सकते हैं ना एक टाइम? हाँ, ले सकते हैं। हाँ, ठीक रहेंगे, जैसे ब्लॉकेज ना होएगी तो? अभी तो वैसे तो ठीक है, पर ले सकते हैं ना, मतलब कोई कह रहे मुँह हाथ से तो नहीं हो जाएंगे गर्मी से? ना ना, ये तो वहां से होंगे भी तो भी खत्म हो जाते हैं इससे, ये अजीबोगरीब है। खाली जैतून का सिरका भी दे सकते हैं इन्हें, वो बाकी चीजें नहीं भी मिलाएं तो कोई बात नहीं। और बताइए क्या सवाल है आपके? और एक नाती है मेरा 6 साल का भाई साहब, उसको ये जैतून का नमक दे सकते हैं? उसके पेट में कभी कभी गैस बन जाती है। हाँ, आधी चुटकी दे सकते हैं, बस आधी चुटकी। अच्छा, हाँ ठीक है। और दिन में एक बार या दो बार, बस आधी चुटकी। जैसे छोटे बच्चों की खुराक होती है 54 भर, जैसे किसी को 1 रुपया भर देते हैं तो 54 भर बच्चों छोटों को देते हैं, जो 12 साल से कम के हों। और आपके कॉल करने से हमारा प्रोग्राम ही बन जाता है, आपको हमारे व्यूवर्स जानने लगे सब, लाखों बोलते हैं दयावती जी दिल्ली से, अच्छे अच्छे बात कराते हैं। और आपका फोन नहीं आता तो ये त्यागी जी भी आप पूछते हैं, आज फोन नहीं आया दयावती जी तुम्हारी बहन का। फोन तो मैं करती हूँ, पर मेरे बच्चे ना गुस्सा करते हैं, कहते हैं और किसी का भी नंबर आ दिया करो। उन्हें पता ही नहीं आपका हमारा रिश्ते का।
देखिए हमारे अलावा ये भी आपसे मोहब्बत करने लगे त्यागी जी, और इनके लिए भी थोड़ा दुआ किया करिए। हाँ जी। और कोई सवाल? को परेशान नहीं होती है ना, तो ऐसे बोलती है मम्मी से पूछ लो दवाई, मम्मी से पूछ लो। नहीं, जब आप तक मेरे सारे नुस्खे पहुंच गया जिस दिन, तो उस इलाके में तो आप ही प्रैक्टिस करना, हमारा तो रिटायरमेंट हो जाएगा और आपके यहाँ लोग चक्कर लगाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह कि आपको असली नकली की पहचान हो गई, आप तो दुकानदारों को बता देती है नकली बेच रहे हो, ये बहुत अच्छा होगा। एक आदमी दो आदमी तो मेरे ऐसे हुए जो दुकानदारों को भी असली चीज़ बता सकते हैं, चाहे वो वैध नहीं है, लेकिन सीख तो लिया इतना। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप फ़ोन करते हैं। बहुत शुक्रिया आपको फ़ोन करने का।